नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के महिला थाना पर स्टूडेंट पुलिस कैडेट अभियान के तहत स्कूली छात्र छात्रा को कानून संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई। आपको बता दें, महिला थाने पर 24 जुलाई से 28 जुलाई तक स्टूडेंट पुलिस कैडेट अभियान चलाया गया, जिसमें आज अभियान के आखिरी दिन बुढ़ाना क्षेत्र के 10 स्कूलों के लगभग 300 बच्चों ने प्रतिभाग किया। यहां थाना प्रभारी अर्चना चौधरी ने सभी बच्चों को कानून की जानकारी देते हुए महिला संबंधी अपराधों उनके रोकथाम के बारे में जानकारी दी। थाना प्रभारी ने कहा कि सभी छात्राओं को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, ताकि वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर अपनी रक्षा कर सके। साथ ही उन्होंने नारी सशक्तिकरण पर भी जोर देते हुए छात्राओं को विभिन्न टिप्स दिए। आज हम यहाँ प्रथम बार अपने बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं स्कूल प्रोग्राम के तहत, और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैम ने, SHO मैम ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी है, जिसे सुन के हमारे बच्चे भी बड़े उत्साहित लग रहे हैं। आगे भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हमारे सब बच्चों को उत्साहपूर्वक जानकारियां भी मिलेंगी, और वो अपने और अपने आसपास के परिवेश को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। जागरूकता फैलेगी उनमें कि महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ही जरूरी हो गया है। क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य तो यही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो। आसपास सभी ग्रामीण क्षेत्रों से लगाकर रूरल, जो भी अर्बन स्टेट्स वगैरह पड़ती है, इसमें जागरूकता हो कि पुलिस जो है आपके सहयोग के लिए है, वो चाहती है कि आप सब सुरक्षित रहें। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है मेरा कि आप सब बच्चे जितने भी विद्यालय के हैं, सब SPC प्रोग्राम से जुड़े, और जो नंबर सरकार ने प्रोवाइड कराए हैं, वो चाहे महिलाओं के लिए हों, चाहे आम जनजीवन वालों के लिए हों, वो सब नंबरों पर अपनी कोई भी समस्या हो। महिला थाने पर ये प्रोग्राम 24 तारीख से रखा गया था, 24 तारीख से 28 तारीख तक स्टूडेंट पुलिस कैडेट, इसमें जो स्टूडेंट स्कूल से आए थे, उनको जो कानून की जानकारी देनी थी, उनको कानून के प्रति जागरूक करना था, बालिकाओं के उनके अधिकारों के विषय में अवगत कराया गया, और काफ़ी कानून दिए गए थे इसमें, जो गाइडलाइन दी गई थी, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सभी को जानकारी दी गई और उनको अवगत कराया गया सभी 24 तारीख से और 28 तारीख तक। इस प्रोग्राम का ये उद्देश्य था कि जो बालिकाएं हैं वो इस बीच में अपनी कभी कभी अपनी पढ़ाई छोड़ देती है, जो असामाजिक तत्व होते हैं वो अपनी पढ़ाई उनकी वजह से आगे तक नहीं बढ़ा पाती, तो उनको कानून की जानकारी देकर कि कानून में उनको क्या क्या सुविधाएँ दी गई है, इनके विषय में उनको जागरूक किया गया, और सभी मेरी महिलाएँ जितनी भी थी स्टाफ द्वारा उनको जानकारी दी गई। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बालिका डरे नहीं और सहे नहीं, और चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो, जो हमारी सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो बालिकाओं के लिए जो योजनाएं क्रियान्वयन किया गया है, उनका सतत निरंतर उनका सभी प्रोग्राम का कानून। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।